देखो जी, आप इमेजिन करो कि ये हमारा कोई उत्तराखंड के गांव का घर है और जो है यहाँ पे छज्जे में लोग खड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा लुक आ रहा है और अभी जो है बेहतरीन एकदम इस तरह के घर होते हैं और लोग जो है घरों में छज्जों पे खड़े होते हैं, तो आपको इस तरह की फीलिंग इसमें आएगी। तपी आ जा हम तो ये जो है इस तरह के घर यहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा कि शोभा जी हमारी मैडम जो हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत खुश हैं वो, और वो एक घर के छज्जे में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उत्तराखंड का कोई गांव का बाखली का कोई घर हो और छज्जे पर कोई औरत खड़ी हो। अगर आप सामने मेरे एक बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कार्ड मॉम बाई। इसका अगर मैं अनुवाद करूं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कार्डमोम टाउन। इसको मैं आपके लिए पहले इंग्लिश में बोलता हूं, ये है क्या, एक सरप्राइज है, एक विशेष चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, और आपके लिए मैंने इस पर स्पेसिफिकली इस कार्डमोम टाउन पर ये ब्लॉग बनाया है। मैं आपको पढ़ता हूं, कार्डमोम टाउन इज ए थीम पार्क located within the Kristiansand Zoo in Kristiansand, Norway, based on the popular Norwegian children book When the Robbers Came to the Cardamom Town by Theron Eger. The theme park, which opened in 1991, was made a look exactly like it looked in the original illustrations in the book. इसको हिंदी में जल्दी से अनुवाद करता हूँ। इलायची टाउन एक थीम पार्क है जो नॉर्वे के क्रिस्टियानसेस में क्रिस्टियानसेस चिड़ियाघर के भीतर बना हुआ है, जो नॉर्वेजियन बच्चों की एक बहुत लोकप्रिय किताब है व्हेन द रॉबर्स केम टू इलायची टाउन, व्हेन द रॉबर्स केम टू इलायची टाउन पर आधारित है। थीम पार्क जो 1991 में बना था बिल्कुल वैसा ही दिखने के लिए बनाया गया जैसा कि किताब में मूल चित्रों में दिखता है। अब ये जो थीम पार्क है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी हिस्ट्री यही है। इससे समझने वाली ये चीज है कि इंसान का दिमाग कितना इनोवेटिव हो सकता है, ये सोचने की बात है। अब आप देखें, किसी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था व्हेन रॉबर्स केम टू कार्डमोम टाउन, मतलब व्हेन द रॉबर्स केम टू इलायची टाउन। अगर हिंदी में मैं बोलूं, इलायची टाउन बिल्कुल वही इलायची जो हम चाय में डालते हैं, यूज करते हैं, कार्डमन, बिल्कुल उसी वही नाम से ये किताब है, नॉर्वेजियन बच्चों के लिए बनी हुई बुक है। और इसके अंदर जो है उन्होंने एक गांव को एक टाउन को दिखाया है। उस टाउन में जैसे जैसे घर बने हुए हैं पिक्चर्स में, वैसा ही किसी ने, यानी कि नॉर्वेजियन किसी आर्किटेक्ट ने यहाँ पर
एक थीम पार्क बना दिया, और अगर आप घर देखोगे बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल से घर दिख रहे हैं, मतलब इसमें कोई घर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर छत पड़ी हुई है, सीढ़ियाँ हैं, रूम बने हैं, और पुलिस स्टेशन बने हैं, रेलवे स्टेशन बना है, बेकरी बनी है, और छोटे छोटे और घर बने हुए हैं। और ये बेसिकली जो ये जो किताब है ये आपके उस किताब में जो कहानी है वो रॉबर्स की है कि लुटेरे उस गांव में आए और उन्होंने लूटपाट करी उस गांव में, उस पर वो पूरी एक किताब बनी हुई है, एक स्टोरी बुक है, और उस पर जो है यहाँ के लोगों ने पूरा एज इट इज एग्जैक्ट वैसा ही वो गांव बना दिया, वो टाउन बना दिया। तो आप सोचिए कि इंसान कितना इनोवेटिव हो सकता है। बट एनीवे, ये तो है इस कार्डमन टाउन की हिस्ट्री, जो कि यहाँ के चिड़ियाघर जू के अंदर बना हुआ है। बट आप अदरवाइज आप देखें, इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और प्रॉपर उन पे जिस तरह के टाउन्स होते हैं, ये देखो अब आपको दिख रहा है पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है पुलिस स्टेशन यहाँ पे नॉर्वे में, तो पुलिस स्टेशन भी बना रखा है। उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, फाइलें और कुछ एक टेबल रखी हुई है। तो ये क्या है कि प्रॉपर एक थीम टाउन बना के रखा हुआ है। तो बड़ा मज़ा आया मुझे इस पार्क में आकर के, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैं चाहे नॉर्वे में मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, आप जू देखने तो आते ही हैं, ये थीम पार्क ज़रूर देखें। ये उसी जो है आपके एम्यूजमेंट पार्क के अंदर है, जिसके अंदर जू भी है आपका, और जिसके अंदर ये थीम टाउन भी बना हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशंस उन सब लोगों के लिए है जो अगर नॉर्वे से बाहर से विजिट कर रहे हैं, नॉर्वे में उनका प्लान है और वो क्रिश्चियनसेन में विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर इस जगह जाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। पर मैं सिर्फ ये एक बात बोलता हूँ कि मुझे इसे देख करके बिल्कुल ऐसा लगा कि ये जो है बिल्कुल मुझे उत्तराखंड के किसी गांव की फीलिंग यहाँ पर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उत्तराखंड के किसी गांव में, किसी बाखली में हूँ। और बिल्कुल वैसा ही हमारी मैडम शोभा जी भी उस छज्जे पर गई, वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने कुछ पोज दी, तो मुझे लगा कि ये वाकई में जो है ना फैंटास्टिक, वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई एंजॉयड इन दिस ट्रिप। और अब आप भी इंजॉय करें इस वीडियो को, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है नॉर्वे की, तो मैं इस तरह की चीज़ें आपके लिए एक्सप्लोर करता रहूँगा। आप मेरे ब्लॉगों के ऊपर बने रहें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के बेहतरीन वीडियो नॉर्वे को एक्सप्लोर करते हुए आपके पास मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।